Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel Sana's Quick Kitchen. I hope you all are doing great. अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो मोस्ट वेलकम, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा ताकि आपको हमारी रेसिपी जल्द से जल्द मिल जाए। हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सो आज हम एक हेल्दी रेसिपी लेके आए जो आप सबको बेहद पसंद आएगी। आज हम बनाने वाले चना दाल डालवी, जो हेल्दी भी है और साथ ही साथ बहुत ही डिलीशियस लगती है और ईजीएस्ट भी है। सो देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। हमने यहाँ पे 230 ग्राम चना डाल लिए थे, उसे सोक कर लिए थे अच्छी तरह वॉश करके। इसे हमें सोक करना है 4 आवर्स के लिए। अब हम पेस्ट रेडी करेंगे, इसके लिए हम मिक्सी जार लेंगे, उसमें ऐड करेंगे ड्राई कोकोनट पाउडर 1/2 कप, ग्रीन चिलीज 4 to 5, हरी मिर्च या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, बड़ी सौंफ 1 टीस्पून, अदरक का छोटा टुकड़ा ले लीजिएगा, उसको चॉप कर लीजिएगा, लहसुन की कलियाँ 7 से 8। ये सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे और फिर वाटर ऐड करके इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। वाटर थोड़ा ही ऐड कीजिएगा। देखिए हमने पेस्ट रेडी कर लिए हैं, यही कंसिस्टेंसी का आपका पेस्ट होना चाहिए। जिस बर्तन में आप दाल भी बनाने वाले हैं वो बर्तन ले लीजिएगा, उसमें डायरेक्टली अनियन चॉप कर लीजिएगा। हमने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का अनियन ले लिए हैं। उसके बाद हमने ऐड किए हैं कोरिएंडर लीव्स, धनिया लीव्स 1/4 कप, उसे भी हमने फाइनली चॉप कर लिए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, आप यही यूज़ कीजिएगा 1 टीस्पून या एज पर योर टेस्ट। ये सब ऐड करके हम हाथों से इसे मिक्स करेंगे। रिमेंबर इसे हाथों से आपको मिक्स करना है, मेक श्योर आपने हाथ हैंड वॉश कर लिया हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल 1.5 टेबल स्पून, आप नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आप वो 1 टेबल स्पून यूज़ कीजिएगा। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट रेडी किया है वो ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करके हम ऐड करेंगे वाटर। हमने यहाँ पे 3 ग्लास वाटर यूज़ किए हैं। मिक्सी जार में थोड़ा मसाला रह गया होगा, उसमें भी वाटर ऐड करके इसमें ऐड कर लीजिएगा मिक्स करके। टोटल अराउंड 3 ग्लास ऐड कीजिएगा। वाटर ऐड करके हम ऐड करेंगे सोक चना दाल जो हमने सोक करने रख दिए थे। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और इसे डायरेक्टली गैस पे कुक होने रख दीजिए। हमें इसे हाई फ्लेम पे कुक करना है तब तक जब तक चना दाल कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। मेक श्योर आप बीच बीच में इसे स्टर कर रहे हो। देखिए 2 to 3 टाइम्स बीच बीच में स्टर कीजिएगा। चना दाल कुक हुआ है या नहीं ये ध्यान से आपको चेक करना है। देखिए हमने चेक कर लिए, ये कम्प्लीटली कुक हो चुका है। इसे मिक्स करके फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अगर आपको वाटर कम्प्लीटली ड्राई करना है तो आप टाइम इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए चना दाल भी इज रेडी, ये आपको बेहद पसंद आएगी, हम गारंटी देते हैं आपको बेहद पसंद आने वाली रेसिपी है। ये हमारे गांव में शादियों में भी बनती है ये रेसिपी। हेल्दी के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी, आप सब इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप सबको कैसी लगी ये रेसिपी। हम इसे गार्निश करेंगे चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स के साथ। इसे आप चपाती के साथ खा सकते हैं, इसे आप जीरा राइस, मटन करी, चिकन करी किसी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। हमने आज मटन करी के साथ इसे सर्व किया था, ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लगी। अगर आपको मटन करी का सालन या कौरमा की रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यमी टेस्टी, प्लीज़ ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। फिर मिलेगी एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल सनाज़ क्विक किचन। टिल देन शुक्रान, अस्सलाम वालेकुम।